नमस्कार मित्रों मित्रों, आज 15 अप्रैल 2020 को सुबह 11 बजे हमारे शिक्षा मंत्री महोदय फेसबुक पर ऑनलाइन हुए और ऑनलाइन के दौरान उन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के संबंध में कुछ क्वेश्चंस को लेकर बिल्कुल स्थिति स्पष्ट की है। तो मैंने सोचा कि हम हमारे अभ्यर्थियों तक इस बात को सही तरीके से पहुंचाएं ताकि अभ्यर्थी दिग्भ्रमित न हो और अपनी तैयारी की निरंतरता बनाए रखें। मित्रों, सबसे पहले तो अपने क्रमवार बात करते हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं पे बात हुई है अथवा भर्ती परीक्षाओं पे बात हुई है कि रीट रीट का पहला क्वेश्चन तो उनके सामने यही था कि कब होगी। तो उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर लॉकडाउन की स्थिति है, ये 3 मई से आगे नहीं बढ़ती है तो रीट अपनी निर्धारित परीक्षा तिथि पर ही होगी। अगर बढ़ती है तो अभ्यर्थियों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति निकलने के साथ ही 3 माह का टाइम दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है मित्रों, कि अपनी तैयारी की निरंतरता को बनाए रखना है। यह नहीं सोचना है परीक्षा कब होगी, परीक्षा होनी है ये निश्चित है। तो अगर 2 अगस्त को ही होती है या आगे होती है, हमें टाइम मिलेगा तो हमारा वो टाइम रिवीजन टाइम होना चाहिए। अभी सिलेबस हमें अभी करना है, इस चीज पे गौर करें, ये मैं आपको सुझाव दूंगा। दूसरा मित्रों, कि रीट की ये बहुचर्चित क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर किसी से कि रीट का जो सिलेबस है इसका बदलाव होगा या नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में रीट की कैसी तैयारी करें उस पर भी बात की थी, पर आज स्पष्ट शब्दों में शिक्षा मंत्री महोदय ने क्लियर कट किया है कि किसी भी सूरत में रीट का जो सिलेबस है वो परिवर्तित नहीं होगा। रीट का सिलेबस जो निर्धारित है अभी, वो एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार, एनसीटीई ने 2011 में गाइडलाइन दी थी उसके अनुसार निर्धारित है और वो वही रहेगा। पर जो ये चेंज वाला क्वेश्चन हमारे दिमाग में बार बार आ रहा है, तो उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि जो चेंज की बात चल रही है ये केवल रीट तो पात्रता परीक्षा है, ये चयन परीक्षा नहीं है। उसके बाद में अध्यापक पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो पहले जो हमारी प्रक्रिया चल रही थी, इससे पहले वो चल रही थी कि रीट के 70% प्लस 30% है वो ग्रेजुएशन के उसमें जुड़ते थे, उसमें परिवर्तन होने की संभावना है, यानी रीट का परसेंटेज प्लस कोई पेपर हो सकता है। यानी चयन की प्रक्रिया में के समय प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है, परंतु रीट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। ये इसी सिलेबस का पेपर होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करने का अपने को प्रयास करना चाहिए, ताकि चाहे बाद में चयन का कुछ भी आधार रहे, हम दूसरों से आगे रहें। तो ये तो रीट की बात कि कब परीक्षा कब होगी और उसका सिलेबस परिवर्तित होगा या नहीं होगा। तो परीक्षा निश्चित समय पर या आगे होने की थोड़ी ज्यादा संभावना है, पर अपने को पर्याप्त टाइम मिलेगा। लॉकडाउन का सही से सदुपयोग करें और सदुपयोग करके अपने सिलेबस को करते जाए। दूसरा, कि सेकेंड ग्रेड जो अभी रिजल्ट निकाले गए हैं उनकी नियुक्तियां कब होगी। तो नियुक्त सेकेंड ग्रेड की जो नियुक्तियां हैं इन पर उन्होंने स्पष्ट तौर पे बात कही है। वो ये कही है कि सेकेंड ग्रेड की जो नियुक्तियां रहने वाली हैं वो नए सेशन में होगी और निश्चित रूप से ही होगी। नया सेशन का अर्थ हम ये मान सकते हैं कि जुलाई, तो जुलाई तक सभी जो नए सेकेंड ग्रेड में रिजल्ट जारी हुए हैं उनकी नियुक्ति होगी, ये शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है। और फर्स्ट ग्रेड के बारे में, फर्स्ट ग्रेड में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार ने पहले कह रखा है कि 3,000 की विज्ञप्ति निकलेगी ही निकलेगी। तो जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड के लिए योग्यता रखते हैं उनका उनको मेरा यही सुझाव है कि
कि आप लोग निरंतर रूप से जुटे रहे, 3000 पद अवश्य आएंगे और परीक्षा की तिथि जो संभावित बताई है वो 2 सितंबर बताई है, कोरोना उसको प्रभावित कर सकता है और अगर नियंत्रित हो गया तो सितंबर में हो जाएगी, थोड़ी आगे जा सकती है पर होनी है ये निश्चित है। तो फर्स्ट ग्रेड की योग्यता रखने वाले विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड को ही चूज करें और पूरे मनोयोग से इस लॉकडाउन की स्थिति में जुड़े रहें। तो मित्रों आज लाइव में जो प्रतियोगी परीक्षार्थी या शिक्षक भर्तियों से संबंधित ये क्वेश्चन इनके रहे थे, रीट से संबंधित, सेकेंड ग्रेड की नियुक्ति से संबंधित और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति और परीक्षा से संबंधित ये क्वेश्चन है अपने सामने आए हैं। तो मित्रों पूरे मनोयोग से जुटे रहें, सरकार पूरी तरह से अपनी भर्तियों के लिए तत्पर है, अपना कार्य कर रही है और जैसे ही ये लॉकडाउन की स्थिति से हम बाहर आएंगे, कोरोना पर नियंत्रण करेंगे, वैसे ही हमारी ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।